हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाई, दिस इज कन्हैया सर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो. अक्सर हम अपने बोलचाल के दौरान हम सेंटेंस यह यूज करते हैं, आप कैसे हैं, और हम लोग इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू, और इसके आंसर भी लोग देते हैं आई एम फाइन. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछता है हाउ यू एंड इफ़ यू आंसर आई एम फाइन, तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है हाउ यू, तो आपको आंसर देने हैं आई एम फाइन, थैंक यू. अगर हाउ यू का आंसर आप फाइन, थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो आप गलत हैं. तो चलिए, आज बने रहे हमारे साथ वीडियो में, और आगे हम सीखते हैं कि अक्सर डेली बोलचाल के कॉन्वर्सेशन में हम पूछते हैं आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. तो आखिर ऐसे डेली यूजेस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इसको आंसर भी कैसे करेंगे. कई बार ऐसे ही सेंटेंस को लोग अलग तरीके से पूछते हैं, हाउ आर यू डूइंग, उसको आंसर हम देंगे आई एम डूइंग वेल. कई बार लोग पूछते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, मतलब हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको सीखते हैं. इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग ऑल राइट. एक कॉमन सा सेंटेंस है, अक्सर हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, व्हाट्सअप. एक्चुअली व्हाट्सअप का मतलब होता है व्हाट इज अप. कई बार एक कॉमन जनरल कॉन्वर्सेशन में हम एक इनफॉर्मल इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट्सअप. व्हाट्सअप का मतलब होता है एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, इसी को लोग शॉर्ट में पूछते हैं व्हाट्सअप. इसको आंसर हम कर सकते हैं नथिंग मच, नथिंग स्पेशल, आई एम गेटिंग बोर्ड. व्हाट्सअप की जगह पर लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं व्हाट्स न्यू, इसमें भी आप बोल सकते हैं नथिंग मच. या अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम प्लानिंग टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, आई एम प्लानिंग टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. मतलब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स न्यू, मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया क्या है, तो अगर कुछ नया है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं. और आगे बढ़ते हैं, और आपको एक नया सेंटेंस में दे रहा हूँ, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू. लोग अप टू से बचते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, व्हाट आर यू अप टू का वही मतलब है जो मतलब व्हाट आर यू डूइंग का होता है. जैसे आप व्हाट आर यू डूइंग बोलते हैं, उसी तरीके से आप इसी सेंटेंस को पूछ सकते हैं व्हाट आर यू अप टू. इसको आंसर हम देंगे आई एम लाइंग इन द बेड, आई एम रीडिंग बुक्स. और व्हाट आर यू अप टू के जगह पर आप व्हाट हैव यू बीन अप टू भी बोल सकते हैं. लेकिन आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आपसे यह पूछा जाता है व्हाट हैव यू बीन अप टू, तो आपका आंसर भी आई हैव बीन से ही होगा. जैसे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट हैव यू बीन अप टू, तो आप आंसर देंगे आई हैव बीन वर्किंग ऑल मॉर्निंग. लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग गुड, आई एम रीडिंग बुक. लेकिन अगर यह पूछा जाता है व्हाट हैव यू बीन अप टू, तो इसका आंसर आप हैव बीन से ही देंगे. जैसे आई हैव बीन लाइंग इन द बेड, आई हैव बीन वर्किंग ऑल मॉर्निंग. तो अगर हैव बीन का यूज हुआ है, तो आंसर भी हैव बीन से होगा. दिनों के बाद किसी से मिलते हैं और हमारे मुंह से निकल जाता है चीज़ें कैसी चल रही हैं, और बताइए, और बताइए, सब ठीक ठाक. इसको हम यूज कर सकते हैं हाउ आर थिंग्स, और आंसर होगा दे आर गुड. हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन गुड, मतलब आप कैसे रहे हैं, आपका कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी है. ऐसे सेंटेंस को पूछा जाता है हाउ हैव यू बीन, आंसर दे सकते हैं आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन गुड, मैं ठीक हूँ, ठीक से रह रहा हूँ. हाउ इज़ योर लाइफ, एक आवाज़ आती है, कोई पूछने की कोशिश करता है हाउ इज़ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप कैसे हैं, आप बोल सकते हैं इट इज़ ऑल गुड, गोइंग वेल. कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं और यूर, कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि थोड़े से परेशान हैं, कुछ चिंतित हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे. आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम वरीड, मतलब एग्जॉस्टेड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, वरीड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब लाइफ सही नहीं चल रहा, थोड़े से टेंस हैं, परेशान हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आ गई है लाइफ में, इसलिए ऐसे सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं. और जाते जाते मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू लगाना ना भूलें. और अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो उसका आंसर आई एम फाइन, थैंक यू बोलें. और अगर आप भी पूछना चाहते हैं, तो आप बोलें फाइन, थैंक यू एंड यू, इसे लगाना ना भूलें, फाइन, थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में.